नमस्कार, स्वागत है सभी का जेके मीडिया पे। मैं ही आने जो आपके साथ सड़क हादसों की बात करें तो सड़क हादसे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर का पिछले साल का डेटा यानी कि 2021 का डेटा सामने आया है कि कितने सड़क हादसे जम्मू कश्मीर में हुए 2021 में, कितने लोगों ने इन सड़क हादसों के चलते अपनी जान गंवा दी और कितने लोग जो है वो जख्मी हुए। इसका पूरा डेटा सामने आया है। आपको बता दें कि 2021 में लगभग 5,500 रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसके चलते हाल ही में एक रिव्यू मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कुछ डिसीजन लिए गए। एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो कि राजीव रय भटनागर हैं, वो इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे और उन्होंने डिसीजन लिए कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट जो है करने की जरूरत है ताकि इस तरीके से जो सड़क हादसे रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो पाया जा सके। पूरी इन्फॉर्मेशन इस समय मेरे पास है, डेटा भी सामने आया है। 2021 में 5,452 रोड एक्सीडेंट्स जो है हुए, जिसमें 774 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 6,972 लोग जो है वो घायल हो गए। लगभग 7,000 के आसपास लोग जो है वो जम्मू कश्मीर में घायल हो गए, जिसके चलते बोला ये गया है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि प्रोन है, जहां पे ज्यादा सड़क हादसे हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके ऊपर काम किया जाए, कुछ डिसीजन ऐसे बनाए जाए, कुछ पॉलिसीज ऐसी फ्रेम की जाए जिसके चलते उन एरियाज में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है उनको कवर किया जाए, साथ ही साथ जितने भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उन पे किसी तरीके से कंट्रोल लाया जाए। पिछले 10 सालों का डेटा भी सामने आया है। 8th रिपोर्ट जो है रोड प्रोटेक्शन कमीशन की सामने आई, उसमें पता ये चला कि पिछले 10 सालों में लगभग 22 लाख नए व्हीकल्स ने अपने आप को रजिस्टर किया है और सड़क हादसों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते रिव्यू मीटिंग हुई। राजीव राय भटनागर ने जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा कि सभी अथॉरिटीज से कहा कि चेक करें कौन कौन से एरियाज एक तो प्रोन है, दूसरा क्या कुछ रीजन है कि वहां पे रोड एक्सीडेंट क्यों होते हैं, क्या उसमें लोगों की गलती होती है या सड़क जो है वो खराब है जिसकी वजह से वो एरियाज प्रोन हो जाते हैं, वहां पे सड़क हादसे ज्यादा होते हैं। इसके चलते बोला कि ये पूरा डेटा कलेक्ट करें, साथ ही साथ ये भी इन्फॉर्म किया कि जो पुलिस के पास डेटा आता है सिर्फ वो सफिशिएंट नहीं है, खुद जाके वहां पे भी चेकिंग की जाए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली जाए, इन डेप्थ नॉलेज उसकी रखी जाए कि किस तरीके से जो है सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो उनसे भी कहा कि आप भी इसके ऊपर काम करें और जुलाई तक डेटा जो है वो इकट्ठा करके सबमिट करवाएं ताकि उसके ऊपर फर्दर पॉलिसीज फ्रेम की जा सके। आईसीसी आईडीटीआर इनसे भी कहा कि आप भी कोऑर्डिनेशन में काम करें और डिसीजंस इस तरीके से लिए जाएं ताकि आगे इन सड़क हादसों में कहीं ना कहीं गिरावट जो है वो देखने को मिले, जितने भी सड़क हादसे लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। कौन कौन से मेन एरियाज हैं, हिली एरिया स्पेशली बात करें अगर, तो उनको आइडेंटिफाई करने को कहा, उन हिली एरियाज के अकॉर्डिंग अलग पॉलिसी फ्रेम करने के लिए कहा गया। रोड्स पे जितने भी ब्लैक स्पॉट हैं उनको भी कहा गया कि आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर वर्क करें, और साथ ही साथ जितने भी मेजर रोड्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर में उन सबका थर्ड पार्टी रोड सेफ्टी ऑडिट होगा, उसके लिए भी एडवाइस जो है वो दी गई है कि थर्ड पार्टी रोड सेफ्टी ऑडिट करवाया जाए इनका और लूप होल जितने भी हैं उन सबको भी दूर किया जाए। साथ ही साथ नेशनल हाईवे पर जितने भी ट्रॉमा सेंटर्स हैं उनकी लोकेशन के बारे में कहा कि पता लगाए, इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम की जो है वो भी लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सके और उनकी स्थापना भी जो है वो जल्द से जल्द हो। तो कहीं ना कहीं काफी काम जो है इसके ऊपर इस रिव्यू मीटिंग में जो है वो निकल के सामने आया। एडवाइजेस दी गई कि किस तरीके से पॉलिसीज फ्रेम हो, क्या नीतियां बनाई जाए, पॉलिसी की बात करें या फिर क्या लूप होल्स हैं पूरे डिपार्टमेंट के, कहां कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, पूरा जो है इस रिव्यू मीटिंग में बात हुई। और आगे डिसीजंस लेने के लिए भी जो डेटा की रिक्वायरमेंट है वो भी कहा कि जुलाई तक सबमिट करवाए ताकि कहीं ना कहीं रोड जितने भी एक्सीडेंट है रोड एक्सीडेंट उन पे कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो पाया जा सके।